जय माता दी साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्ग 3 में कुल कितने प्रमोशन हो रहे हैं? इतने अधिक संख्या में होंगे वर्ग 3 में प्रमोशन। अब होगी वर्ग 3 में की थर्ड काउंसलिंग। जी हाँ, यदि MP में प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन जितनी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, इससे अधिक बढ़कर प्रमोशन हो रही है। हमने आपको प्रमोशन की जानकारी पहले भी दी थी कि लगभग 30,000 के समथिंग प्रमोशन होंगे। तो आप चाहें तो इसी प्रकार की स्थिति आप देख सकते हैं। आप बगल में मात्र सागर संभाग के प्रमोशन की जानकारी देखें तो 1815 प्लस 1389, यदि दोनों को टोटल करें तो 3202 प्रमोशन मात्र सागर संभाग में हो रहे हैं। MP में कुल टोटल 10 संभाग हैं, तो हो सकता है किसी संभाग में कम प्रमोशन हो, किसी में ज़्यादा प्रमोशन हो। 3202 का एक औसत एवरेज देखें, 10 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 25 से 30 हज़ार तक प्रमोशन वर्ग 3 में होंगी। इतने अधिक संख्या में पहले भी पद खाली थे, लेकिन वर्तमान में 25 से 30 हज़ार पद खाली होंगे, तो इससे मैक्सिमम सभी से सभी क्वालिफाई जो वर्ग 3 के नए चयन शिक्षक बनने की उम्मीद में बैठे हुए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा यदि पद खाली होते हैं तो सकारात्मक प्रयास करने की ज़रूरत है। यदि प्रयास जैसे मंगल सिंह सर कर रहे हैं, यदि इसी प्रकार सभी सर ने मिलकर प्रयास किया तो आप विश्वास रखिए सकारात्मक रवैया मिलेगा। वर्तमान में चुनाव सिर पर होने के कारण माननीय शिक्षा मंत्री जी भी सकारात्मक रिस्पॉन्स दे रही हैं, क्योंकि अब ये कोई बहाना भी नहीं है कि वर्ग 3 में पद खाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव सिर पर है तो वर्ग 3 में आप विश्वास रखकर चले। यदि सकारात्मक प्रयास किया गया तो 15 से 20 हज़ार तक प्रमोशन है, 15 से 20 हज़ार तक थर्ड काउंसलिंग में पद आ सकते हैं। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।